दोस्तों, आप लोगों का मेरे नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आलू और टमाटर की सब्ज़ी जो हमारे घरों में उपलब्ध होती है। तो आइए आपको बताते हैं कि इसकी क्वांटिटी क्या होगी। हमें 2 लोगों के लिए ये सब्ज़ी बनानी है, जिसके लिए मैंने आलू 4 छोटे मीडियम साइज़ के लिए हैं, 2 टमाटर, 1 प्याज और ये है कड़ी पत्ता जो हमारे सब्ज़ी का स्वाद बढ़ा देगा। तेज पत्ता है और ये 2 फ्राई करने के लिए सूखे मिर्च को लिया है। दोस्तों, हमने आलू को मीडियम साइज़ में काट लिया है, ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा पतला है। अब देखते हैं हम मसालों में क्या यूज करते हैं। ये रहा हमारा लहसुन और मिर्चे का पेस्ट, ये टमाटर का पेस्ट और कुछ मसाले हैं। जैसे ये आपका घर में जो हमारे नॉर्मल मसाला मिलता है, 2 चम्मच लिया है। 1 छोटा चम्मच हल्दी है, हींग है और साबुत खड़ा जीरा है। आइए हम इस सब्ज़ी को बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब इसमें हम तेल डालते हैं। गिलास पानी को ऐड कर लेते हैं और इसको थोड़ा चला के देखते हैं कि इसकी क्वांटिटी कितनी है। हाँ, परफेक्ट क्वांटिटी है। अब इसमें आवश्यकता अनुसार आप नमक डाल सकते हैं। मैंने 2 छोटे चम्मच लिए हैं क्योंकि हम लोग के घर थोड़ा नमक को चटक खाते हैं लोग। तो अब इसको आप धीमे आंच पर ढक दीजिए। 5 minutes later हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम जरा पलट के देखते हैं कि हमारी सब्ज़ी का कलर और कंडीशन कैसा है। ये देखिए दोस्तों, हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। थोड़ा सा और इसमें को गाढ़ा होने के लिए 5 मिनट के लिए हम छोड़ते हैं और हमारी सब्ज़ी पूरी तरह से रेडी है। आप चाहे तो इसे रसा रख सकते हैं, नहीं तो इसको थोड़ा सूखा और कर दे। मैं इसको थोड़ा सूखा और करूँगी। 1 eternity later देखिए दोस्तों, हमारी सब्जी पूरी तरह से पककर रेडी हो गई है। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। देखिए, अब हम इसको सर्व करते हैं। हमारी सब्ज़ी बनके एकदम रेडी हो गई है। आप इसे रोटी से, पराठे से, किसी के साथ आप नाश्ता में खाएं। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।